of you students. Myself, Dr. Rajan Sharma. Today I am going to start topic immunity. So immunity का मतलब क्या होता है बेटा कि immunity एक protective mechanism है human का, हमारी body का, जिससे कि हमारी body के जो cells होते हैं, जो WBC cells हैं, lymphocyte, T B cells होते हैं, जो T lymphocyte, B lymphocyte cell, other cells जो होते हैं, ये आपकी बॉडी को फॉरेन की जो भी एजेंट से, जो भी एंटीजन्स होते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट से बचाते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का। तो ये जो प्रोटेक्शन होती है और अदर ऑर्गेन्स फॉरेन ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी की, इसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो आइए आज इम्यून सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि बेटा जो वायरसेस एंड बैक्टीरिया है आर फाउंड एवरीवेयर। सम ऑफ देम वांट टू इन्वेड योर बॉडी। हाउ डज योर बॉडी डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द वायरस एंड बैक्टीरिया? तो बेटा देखिए, हमारे आसपास सब हमारे बेसिकली अगर आप देखें, हमारे आसपास वायरसेस बैक्टीरिया बहुत सारे। तो अब ये है कि आप कितना अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी कैपेबिलिटी है, कोई ऐसे सेल्स है जो कि उसकी अगेंस्ट आपकी बॉडी को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर? ओके, तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है हमारे, बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म क्या है हमारे डिजीज के लिए? देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारी बॉडी में मान लीजिए बाहर से कोई माइक्रोब एंटर करता है, तो हमारे पास क्या है, नॉन स्पेसिफिक एक्सटर्नल बैरियर्स होते हैं। नॉन स्पेसिफिक वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि ऐसा है कि जो स्किन है, स्किन का कोई स्पेसिफिक नहीं है, स्किन से कोई भी एंटर कर सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, स्किन सबको अलाउ करेगी। ठीक है, स्किन ऐसा नहीं है किसी को अलाउ नहीं करेगी। तो ये नॉन स्पेसिफिक बैरियर्स का मतलब होता है कि स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, तो ये ब्रॉड है, कोई भी माइक्रोब यहाँ से एंटर कर सकता है। ठीक है, बट ये उसको रोकती है, उसको एंटर करने से क्या रोकती है, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आपकी बॉडी की। तो जैसे ही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब है कि जैसे ही माइक्रोब बाहर से आता है, तो सबसे पहले ये जो आपके स्किन म्यूकस मेंबर, इसको रोकते हैं आने से। अगर तो बॉडी यहाँ पे इसको रोक देती है, तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस डील हो जाते हैं। मान लीजिए वो बैक्टीरिया, वो इंसेक्ट ने क्या किया, ये आपके एक्सटर्नल बैरियर को क्या कर दिया, उसने इसको कवर कर, उसने इसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, जब ये क्रॉस हो गया, पेनिट्रेट हो गया, तो क्या होगा, ये जो आपके पास माइक्रोऑर्गेनिज्म है, ये आपकी बॉडी में एंटर करेगा। अब इसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी की जो सेल्स होते हैं, ये आपके फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। तो उस एक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। इनेट इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि जो आपके सबसे पहले जो आपके सेल्स है, आपके बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो होती है, उसको बोलते हैं इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। और इसमें क्या होता है, आपके पास फैगोसाइटिक सेल, मैक्रोफेजल सेल्स, इन्फ्लेमेशन और फीवर। तो इससे क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं, हमारी बॉडी कोशिश करती है कि आपके जो इन्फेक्शन है, जो माइक्रोब एंट्रोडोस, को हमें बॉडी से बाहर निकाला जाए। मान लीजिए अगर आपका ये इनेट इम्यून रिस्पॉन्स आपका सबसे इनसफिशियंट है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारे पास सेकेंड आता है, दैट इज द अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, सेकेंड क्या आता है हमारा, अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में आपके पास दो चीजें आ जाती हैं बेटा, नंबर वन ह्यूमरल इम्यूनिटी, नंबर सेकेंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब देखिए, ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है बेटा, आपके बॉडी में दो तरह के सेल्स हैं मेनली, टी सेल्स और बी सेल्स, जो कि हमारे हमारे इम्यून सिस्टम में, हमारे इम्यून मैकेनिज्म में हमारे रोल प्ले करते हैं। टी सेल्स क्या करते हैं, टी सेल्स आगे हमारे दो तरह के होते हैं, टी हेल्पर सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल। जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं, वो डायरेक्टली जाके इन्फेक्टेड सेल को डायरेक्टली क्या करते हैं, किल करते हैं। ठीक है, अगर तो आपने किसी माइक्रो, आपके कोई इन्फेक्टेड सेल को टी सेल ने किल किया है, तो आप ये बोलेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे इसको, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मतलब कि ये इम्यूनिटी आपको किसने दी है, सेल ने दी है, टी सेल ने दी है। सेकेंड पॉइंट, अगर आपके फॉरेन एंटीजन को मारने में एंटीबॉडीज लगती हैं, और एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करता है, बी सेल्स, तो आपने इस इम्यूनिटी को बोलना है ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे आप, ह्यूमरल। अगर आपके फॉरेन एंटीजन को सेल, हमारी बॉडी का जो टी सेल किल कर रहा है, तो आपने बोला सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अगर आपके फॉरेन एंटीजन को एंटीबॉडी किल मार रहा है, तो आपने बोला ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो सबसे पहले आपके पास पता लग गया, जैसे ही बाहर, ये हमारे डिफेंस अगेंस्ट आपके में डिजीजेस है, सबसे पहले आपका आउटर मोस्ट कवरिंग आ गई, एक्सटर्नल बैरियर,
उसके बाद इनेट, उसके बाद लास्ट आता है आपके पास अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। अब बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। देखिए जब जैसे मान लीजिए फर्स्ट लाइन डिफेंस को ऐसे मान लीजिए जैसे कि आप क्या कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है मान लीजिए, अब उस कंपनी में क्या है गेट्स हैं, बाहर से जो बंदा कब आ सके जब वो गेट से कवर हो, जब गेट से एंटर करें, गेट पे आपकी गार्ड्स करें, अगर तो गार्ड उसको रोक पाए तो ठीक है, अगर नहीं रोक पाए तो कोई भी एंटर कर सकता है। तो ये है सबसे पहले आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी बॉडी का क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है ये सबके लिए एक ही तरह का है, मतलब कि ये किसी के लिए स्पेशलाइज नहीं है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस आर डिजाइन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय वायरसेस एंड बैक्टीरिया। अब इसमें कौन आते हैं बेटा फर्स्ट लाइन डिफेंस में, कौन आते हैं, हमारा स्किन आता है, म्यूकस आता है, सीलिया आता है और हमारे फैगोसाइट्स आते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपके माइक्रोब जब भी बॉडी में एंटर करेगा, स्किन से एंटर कर सकता है, माउथ से एंटर कर सकता है ना, तो स्किन भी कंट्रोल करती रोकने से, माउथ भी, माउथ में म्यूकस जो बेसिकली हमारे स्लाइवा होता है, स्लाइवा सलाइवरी ग्लैंड स्लाइवा प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, और हमारे पास जो भी जो ट्रैक में हमारे पास म्यूकस होता है सीलिया जो कि इसको माइक्रोब को एंटर होने नहीं देते हैं। ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब स्किन का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्किन एट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। डेड स्किन है कॉन्स्टेंटली फ्लॉटेड ऑफ मेकिंग इट हार्ड फॉर इनवेडिंग बैक्टीरिया टू कॉलोनाइज। तो जो डेड स्किन होते हैं कॉन्स्टेंटली फ्लॉटेड ऑफ होते हैं, इसकी वजह से जो आपका अपर स्किन क्या होती है हार्ड हो जाती है, तो बैक्टीरिया उस पर ग्रो नहीं कर सकता। अब आपको पता है स्वेट और ऑयल होते हैं, जो आपकी जो स्किन है उसमें स्वेट ग्लैंड्स ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, ये कंटिन्यूसली स्वेट एंड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल होते हैं, जिसमें हमारे पास एंटी माइक्रोबियल है उसमें हमारे पास एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स होते हैं जिसमें कुछ एंटीबायोटिक्स भी आ जाते हैं जो कि इस माइक्रोब को ग्रो नहीं करने। तो दिस इज हाउ द स्किन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब उसके बाद रोल ऑफ म्यूकस इन सीलिया। अब देखिए बेटा म्यूकस में हमारे पास लाइसोजाइम्स होती हैं। अब ये लाइसोजाइम्स क्या करती हैं, जैसे नेजल में देखेंगे आप, नेजल में हमारे पास बेसिकली म्यूकस है तो उसमें क्या होता है हमारे पास लाइसोजाइम्स होती है। लाइसोजाइम्स क्या करती है, बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। नॉर्मल फ्लो ऑफ म्यूकस वॉशिस बैक्टीरिया एंड वायरसेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये वायरसेस बैक्टीरिया को क्या करता है, ये बेसिकली क्या करता है, इसको वॉश करता है। अब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास सीलिया होते हैं, सीलिया क्या करता है आपके कोई भी बैक्टीरिया वायरस को क्या करता है प्रोपेल कर देता है, जैसे सीलिया ऐसे दिखाई देते हैं ऐसे, तो देखिए बैक्टीरिया ट्रैप बाय द म्यूकस एंड सीलिया, तो उसको क्या करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक से इसको क्या करता है माइक्रोब को क्या करता है आउट कर देता है ये। तो दिस इज हाउ द म्यूकस एंड सीलिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फैगोसाइट्स, फैगोसाइट्स का मतलब क्या है, सेल ईटिंग। Phagocytes are several type white blood cells including macrophages, neutrophils that seek and destroy invaders, some of destroyed damaged body cells. Phagocytes are attracted by the inflammatory response of the damaged cell. But कहीं पे भी जहाँ पे भी आपके infection होती है, damaged cells होते हैं, तो वहाँ पे हमारे phagocytes cells चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो basically जितने भी ये cells होते हैं उसको destroy, उसको हम क्या करते हैं destroy करते हैं, damage करते हैं हमारी body cells के जो destroy होते हैं उनको क्या करता है ये अट्रैक्ट करके क्या करता है उसको खत्म करता है वहाँ से, जो हमारी बॉडी में क्या सेल आता भी है तो फैगोसाइट की एक स्पेशलिटी है उस सेल को क्या करता है इंगल्फ करके उसको क्या कर देता है ब्रेक डाउन कर देता है। दिस इज हाउ द फैगोसाइट वर्क्स। इन्फ्लामेशन, अब इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन इज सिग्नल बाय द मास सेल्स विच रिलीज द हिस्टामिन। अगर आपको मैं इसका मतलब समझाऊं, ये एक सिग्नल है मास सेल का जो कि हिस्टामिन रिलीज करता है। अब हिस्टामिन क्या करता है, फ्लूइड्स कॉजेस अ फ्लूइड टू कलेक्ट अराउंड द इंजरी टू डाइल्यूट टॉक्सिन। अब सबसे पहले मान लीजिए एक सिग्नल आया, मास सेल ने हिस्टामिन सीक्रेट किया, ठीक है, हिस्टामिन ने क्या कर दिया, ये जो फ्लूइड है जितना भी फ्लूइड है वो इंजरी जहां पे इंजरी उसके आसपास सारा फ्लूइड उसने क्या कर दिया डाइल्यूट कर दिया। अब फ्लूइड आने की वजह से जो टॉक्सिन था वो सारा क्या हो गया डाइल्यूट हो गया, जिसकी वजह से अब क्या हो जाएगी स्वेलिंग हो जाएगी। अब टेम्परेचर ऑफ द टिश्यूज मे राइज विच कैन किल द टेम्परेचर टेम्परेचर सेंसिटिव माइक्रोब्स। अब इसका मैं मतलब समझाता हूँ आपके, इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो पहले आपने ये बात याद रखनी कि इन्फ्लेमेशन कॉज कौन कॉज कर रहा है, मास सेल कर रहा है। अब ये मास सेल क्या करते हैं, हिस्टामिन रिलीज करते हैं,
जिस जगह पे इन्फेक्टिव जिस जगह पे कोई इंजरी होती है वहाँ का हिस्टामिन क्या करता है, जितना भी फ्लूड होता है बॉडी के उसके आसपास क्लट कर लेता है। क्लट कर जब ये क्लट करता है तो उसकी उसकी वजह से क्या होता है, फ्लूड के इकट्ठे होने की वजह से जो वहाँ पर टॉक्सिन होता है वो वहाँ पर डिल्यूट हो जाता है, खत्म हो जाता है और उस एरिया में क्योंकि फ्लूड एक सारा इकट्ठा हो गया तो स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग और अब यहाँ पे उस एरिया में टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो भी टेम्परेचर सेंसिटिव माइक्रोब्स हैं वो सारे क्या होते हैं यहाँ पे किल हो जाते हैं। फीवर का रोल क्या है, फीवर भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। फीवर क्या है बेटा, आपका डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि बहुत सारे माइक्रोब्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। फीवर ऑल्सो हेल्प इन फाइट अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन बाई रीजन द इंटरफेरन प्रोडक्शन। वाइल हाई फीवर्स कैन बी डेंजरस सम डॉक्टर रिकमेंड लेटिंग लाओ फीवर रन देयर कॉर्स विदाउट टेकिंग द एस्पिरिन एंड आइबुप्रोफेन। तो बेटा फीवर एक हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, जब भी हमारी बॉडी माइक्रोब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी फीवर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है जो कि आपके माइक्रोब्स को किल करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो दिस इज हाउ द वर्क। देखिए इन्फ्लेमेशन कैसे होता है, वही बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले मान लीजिए टिश्यू डैमेज हुआ है, यहाँ से बैक्टीरिया ने अंदर एंटर किया, जैसे कोई यहाँ पे चोट लगी है ना, तो बैक्टीरिया एंटर कर गया यहाँ से। अब जो ये सेल्स हैं ये क्या करेंगे, ये हिस्टामिन ये केमिकल रिलीज करेंगे जो कि मास सेल को स्टिमुलेट करता है। यहाँ से जो सेल यहाँ से डैमेज हुए उन्होंने क्या क्रिएट किया, केमिकल जो कि हमारी बॉडी की जो मास सेल होते हैं उसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। अब मास सेल ने आगे क्या रिलीज कर दिया, हिस्टामिन। हिस्टामिन ने क्या कर दिया, ये कैपिलरी ये जो देख रहे हैं ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज के फ्लो की इसकी परमिबिलिटी इंक्रीज कर दी। इसकी परमिबिलिटी क्या कर दी, इंक्रीज। तो जितने भी आपके पास फैगोसाइट सेल्स हैं वो सारे यहाँ ये जो साइट जहाँ पे इंजरी हुई है यहाँ पे आ जाएंगे, सारे फैगोसाइट सेल यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। सारे फैगोसाइट सेल्स फिर यहाँ पे आ जाएंगे और फिर ये इसको आके यहाँ पे फिर ये सारे फैगोसाइट आने की वजह से ये वाले एरिया का स्वेलिंग ज़्यादा हो जाता है और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, जिसके कारण ये फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वर्क्स। थैंक यू।